मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे। हेमंत सोरेन के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर कोई चुनौती नहीं है और इसकी वजह यह है कि सामान्य बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अगर की बात करें तो 81 है और 4 विधायकों ने लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधायकी छोड़ दी है। ऐसे में अभी विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या घटकर 76 हो गया है। सामान्य बहुमत के लिए 39 विधायकों का समर्थन सरकार को चाहिए। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। वही विपक्ष की बात करें तो बाबूलाल को मिलाकर 23 और आसू के पास 3 विधायक हैं। निर्दलीय के तौर पर सरयू राय, अमित यादव और एनसीपी की कमलेश सिंह हैं। वही आज ही कैबिनेट का भी विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे राजभवन से समय लिया गया है। बिरसा मंडप में शपथ समारोह होना है। तो हेमंत का आज शक्ति परीक्षण है। हेमंत ने राज्यपाल को सौंपा है 44 विधायकों के समर्थन पत्र। शक्ति परीक्षण के बाद आज ही कैबिनेट का विस्तार होगा। बहुमत के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों का भी आशंका है। कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। रांची में झारखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र है और इसमें हेमंत सोरेन अपना शक्ति परीक्षण करेंगे और साथ ही साथ हेमंत सोरेन के सामने फिलहाल किसी प्रकार की कोई अभी अड़चन नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे। हेमंत सोरेन के सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर कोई चुनौती नहीं है और इसकी वजह यह है कि सामान्य बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 81 सदस्य हैं। 4 विधायकों ने लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधायकी छोड़ दी, तो ऐसे में संख्या घट करके 76 हो जाता है विधायकों का। सामान्य बहुमत के लिए 39 विधायकों का समर्थन सरकार को चाहिए। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को भी 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। तो बात अगर विपक्ष की जाए तो बाबूलाल को मिलाकर के 23 और आसू के पास 3 विधायक है। निर्दलीय के तौर पर सरयू राय, अमित यादव और एनसीपी की कमलेश सिंह हैं। वही आज ही कैबिनेट का भी विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे राजभवन से समय लिया गया है। तो राजेश इस वक्त विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश माफ कीजिएगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि हेमंत सोरेन के पास फिलहाल किसी प्रकार की कोई अड़चन नजर नहीं आ रहा शक्ति परीक्षण को लेकर के। उन्होंने पहले ही राज्यपाल का 24 विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया है। क्या कहेंगे राकेश? बिल्कुल, देखिए 44 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो राजभवन को जा चुका है और जो संख्या बल है वो सरकार बेहद कंफर्टेबल है उन संख्या बल के साथ। लगभग 46 विधायकों का उनको समर्थन है। इस वजह से अगर आप देखें तो हाउस में बहुमत साबित करने को लेकर सरकार को कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। हालांकि देखिए मेरे पीछे की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि बहुमत साबित करने से पहले बीजेपी के विधायकों का बाहर में हाउस के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें बीजेपी के कई विधायक बिरंची नारायण आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावे कई विधायक नीरा यादव हैं। तो तमाम विधायक जो हैं वो लगातार, अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष वो भी मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में। तो कई सारे इशूज हैं, एक तो नौकरी का सवाल है इसको लेकर ये प्रोटेस्ट है, इसके अलावा राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इन लोगों ने राकेश रात भर मंथन किया है और अब देखिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के। नहीं बिल्कुल, देखिए कई विधायक हमारे साथ हैं। विरंची जी, ये प्रोटेस्ट आज क्यों, आज तो विश्वास मत हासिल करने जा रही है सरकार। देखिए सवाल है कि आखिर वो किसका विश्वास लेना चाहते हैं? अपने दल का तो विश्वास जीत नहीं पाए, हटा दिया है सीधे सरल आदिवासी चंपई सोरेन को। क्या कसूर था चंपई सोरेन का? उसी शर्तों पर उनको मिला था ना मौका। मैंने कहा ना कि उनका आखिर कसूर क्या था? क्या हेमंत सोरेन का शर्त चलेगा? राज्य की जनता जानना चाहती है कि क्या आदिवासी में सिर्फ सोरेन परिवार चाहिए? क्या आदिवासी में चंपई सोरेन जैसे सीधे सरल व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है? हम भी सवाल खड़ा नहीं कर पाए 5 साल में। और जो भ्रष्टाचारी, जिसने भ्रष्टाचार किया वो मुख्यमंत्री रहकर इन 2-2.5 महीने 3 महीने में अपना सारा सबूत मिटाना चाहता है। हेमंत सोरेन जी मिटाना चाहते हैं अपना सारा सबूत, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जो 1000 करोड़ का पत्थर का घोटाला किया, जो दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला किया, जो 400 बालू के घाटों पे बालू को लुटवाने का काम किया, सारे सबूत ये मिटाना चाहते हैं और हम ये
इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री के रूप में हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। आनंद जी भी, आनंद जी क्या अप्रोच रहने जा रहा है हाउस में आज आप लोग? ये सीधा है, ये राज्य की जनता के साथ तीसरी बार या जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने विश्वासघात करने का काम किया है और यह विश्वासघात राज्य के नौजवानों के को लेकर के है, यह विश्वासघात प्रदेश के किसानों के साथ है, यह विश्वासघात यहाँ के आदिवासी समाज को छलने का काम किया है और ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण का नंगा नाच इस सरकार ने किया है लगातार अल्पसंख्यकवाद को पोषित करने के लिए पूरे संताल पढ़ना में आप देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर के बसाने का खेल चल रहा है। अब तो माननीय उच्च न्यायालय को भी निर्देश देना पड़ रहा है। कल के समाचार पत्रों में कोल्हान क्षेत्र के घाटशिला में बड़ी बड़ी खबरें छपी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर बस रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड लेकर के और ये घुसपैठिए आकर के इनको कर रहे हैं और इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कि सरकार मौन होकर के इन घुसपैठियों को बसाने की दिशा में काम कर रही है। बाबूलाल जी भी धरने पर बैठ गए हैं। सर, विश्वास मत हासिल करेगी सरकार, अप्रोच क्या रहेगा बीजेपी का हाउस के अंदर, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो बेहद कंफर्टेबल है वो लोग। अप्रोच तो आप देख रहे हैं, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल समस्याओं का है और उन समस्याओं को लेकर के पार्टी लगातार पहले भी संघर्ष करते रही है, आज भी वही मुद्दा को उठा रहे हैं, आगे भी इस मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेंगे। चूँकि ये सरकार ने जब से बनी है तब से किसी को भी छोड़ा नहीं है, युवाओं को भी ठगा है। आप सबको याद होगा कि चुनाव के समय इन्होंने क्या कहा था, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। नौजवानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, ठगा लोगों को। और जितना भी जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम में जो पेपर लीक नहीं हुआ हो ऐसा कहीं दिखता नहीं है, सब जगह घोटाला ही घोटाला हुआ। यानी नौजवानों को बुरी तरह से झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने ठका है, लूटा है, यहाँ तक कि नौकरी को भी बेचने का पेपर लीक में सबके सामने आ चुका है। और उसके बाद दूसरा जो आप देखें कि वो जितनी भी कर्मचारी है, खास करके चाहे पुलिस सेवा में हो, जो अस्थायी रूप से सहायक पुलिस जिसको कहते हैं, पारा शिक्षक है, पारा मेडिकल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, सबके बारे में उन्होंने क्या कहा था कि अस्थायी कर देंगे, लेकिन अब तो उन लोगों से बात तक नहीं करता है। आप देखें मोराबादी मैदान में टेंट लगा करके सहायक पुलिस पड़ा हुआ है, हेमंत सोरेन बगल में ही रहते हैं, चले जाते मिल लेते या उन लोगों को बुला लेते, उनकी समस्या क्या, अभी आपने वादा किया था उसको तो आप पूरा करें, लगे वो भी कर नहीं रहे। कानून व्यवस्था तो पूरे राज्य में जो हालत है, अब राज्य के राजधानी जहाँ सरकार रहती है उसके नाक के नीचे आए दिन लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, गोली चल रही है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, मानो ये लगता है कि सरकार की ओर से उनको संरक्षण मिला हुआ है, माना ऐसा लगता है कि वो लोग वसूली में लगे हुए हैं। करप्शन किसी से छुपा हुआ नहीं है, कहीं भी सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। देखिए, हम बीजेपी के नेताओं को अपने दर्शकों को सुना रहे थे, बाबूलाल मरांडी को जी आप लोग सुन रहे थे। सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, रोजगार का विषय हो, तो ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर बीजेपी की ये जो तमाम विधायक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाउस के बाहर, और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, कई विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन विधायकों से भी जुड़े और उनसे भी संबंधित की कोशिश करें, तो लगातार तस्वीरें जो हैं वो अपने दर्शकों को हम याद दिला रहे हैं। काफी गरम तेवर में विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है, रात भर मंथन हुआ है और फिर से विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, पोस्टर्स लेकर के बैठे हुए, बैनर लेकर के बैठे हुए, काफी गंभीर तेवर नजर आ रहा है विपक्ष का। क्या लगता है हंगामेदार होने वाला है सदन आज? नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, चूंकि आज बड़ा दिन है और विपक्ष भी अपनी ताकत
दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो संख्या बल है क्योंकि वो सरकार के साथ है और इसलिए विश्वास मत हासिल करने को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होने जा रही है। लगभग 46 विधायकों का समर्थन है उनके पास और पार्टी के स्तर पर भी, चाहे आप जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, उनके तरफ से भी व्हिप जारी किया गया है कि तमाम विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कैमरामैन कैस है, कैस से हम जरा समझते हैं कि देखिए स्टीफन मरांडी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं, वो पहुंचे हैं, जरा उनसे समझते हैं। स्टीफन दा है हमारे साथ। स्टीफन दा, आज विश्वास मत का दिन, कंफर्टेबल है आप लोग पूरी तरीके से? बिल्कुल कंफर्टेबल है, चूंकि कल बैठक हुई है उसमें सबों की उपस्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि विश्वास मत में कोई किसी तरह का कसर नहीं रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार क्यों, आखिर 3-4 महीनों के लिए फिर से सरकार गठन की जरूरत क्यों पड़ी? अंतिम दम तक रहेगा, चुनाव तक रहेगा, पूरा टेन्योर पूरा करेगा सरकार, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है, इसलिए विश्वास मत में कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी नहीं है, जो गठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन को लेकर के उनको लेकर के चुनाव लड़ना हम लोग को है, उनका नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है, इसलिए इसको ये करना था। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है स्टीफन मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा है कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था 2019 में, और जो मैंडेट इस सरकार को मिला है उनके नेतृत्व में ही मिला, लिहाजा 2024 की जो लड़ाई होगी वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ी जानी है। इसीलिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, हेमंत जी ने अपने हाथों में एक बार फिर सत्ता की कमान रखी है। तो बीजेपी के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, और इधर अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष के विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि 10:30 बजे तक का समय दिया गया था कि तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो 10:30 तक विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन पूर्व की भांति एक साथ ना पहुंचकर एक एक कर विधायक जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पहुंच रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब हाउस शुरू हो गया, 11 बजे का समय निर्धारित है, उस समय क्या अप्रोच रहता है विपक्ष का। लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा होनी है, चर्चा के बाद वोटिंग होनी है, और फिर उसके बाद जो है बहुमत जो है वो सरकार आसानी से जो है वो हाउस के अंदर फ्लोर पर जो है वो साबित कर लेगी। विपक्ष का जो अप्रोच बाहर नजर आ रहा है, आप देखेंगे कि इसी तरीके का अप्रोच जो है वो हाउस के अंदर भी रहेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ विपक्ष जब हाउस के अंदर होगा तो किस तरह की गर्माहट जो है वो हाउस के अंदर देखने को मिलेगी। राकेश, हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष के हाथों में तख्तियां हैं आरोपों का। अभी जिस तरीके से नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है, चंपई सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ने कमान संभाला है, उनका भी विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। 5 साल का नौकरी का क्या, हेमंत सोरेन लगातार इस प्रकार के आप देख पा रहे हैं तख्तियां इनके हाथ में, विरोध जमकर कर रहे हैं। लग रहा है कि रात का मंथन का ज्यादा असर दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। सदन में क्या कुछ रणनीति होगी विपक्ष की, क्या करेंगे, सत्ता पक्ष को कैसे घेरेंगे, और सत्ता पक्ष राकेश अपनी बचाव कैसे करेगी? बिल्कुल, देखिए कई इश्यूज हैं विपक्ष के सामने, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है। कल भी आपने देखा होगा कि पूर्व पार्षद को गोली मार दी गई, हालांकि उनका जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बताया जा रहा है। तो इसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर है, रोजगार का मसला है युवाओं को, चूंकि जब हेमंत सोरेन सत्ता में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने बड़ा कमिटमेंट किया था रोजगार को लेकर, तो वो एक बड़ा इशू है। इसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर जो स्थिति परिस्थितियां राज्य की बनी है उस पर विपक्ष जो है राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएगा हाउस के अंदर। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये सरकार आखिर सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कल जब विपक्ष की बैठक हो रही थी तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि विपक्ष हाउस के अंदर में सरकार से ये पूछेगा कि इस सरकार की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है। और चंपई सोरेन को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो नरमी बरते हुए है, और उनको लग रहा है कि चंपई सोरेन को हटाना एक गलत संदेश है। तो ये तमाम विषय है जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हाउस के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगा। दूसरी तरफ जो सरकार
में शामिल जो दल है उनके जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नमन विक्सल कुंगाड़ी को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, कांग्रेस के विधायक हैं। क्या अप्रोच रहने जा रहा है आप लोग का? आप लोग तो कंफर्टेबल हैं इस बार, क्या अप्रोच रहेगा हाउस के अंदर आप लोग का? विपक्ष आपको घेरने के लिए तैयार है? विपक्ष हारा हुआ है, विपक्ष हताशा में ये सब कर रही है। कांग्रेस में कोई फेरबदल होने जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी आज ही हो जा रहा है? वो आलाकमान तय करेंगे। आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग को मौका मिले? हम लोग चाहते हैं कि आलाकमान ही निर्णय ले सब कुछ। निर्णय तो हो गया होगा, अब तो सूची भेजने का समय है। राजभवन जिम्मेवारी देगी, सबको जिम्मेवारी को संभालने के लिए तैयार है। लगता है फेरबदल की जरूरत है, गुंजाइश है, ये महसूस करते हैं आप विधायक, या लगता है कि जो तस्वीर पहले थी वही तस्वीर होनी चाहिए? ये सारे कुछ को देखने का काम हमारे आलाकमान को है, वही देखेंगे, जरूरत है या नहीं है वो तय करेंगे। चल कुंगाड़ी मंत्री नहीं बनेंगे, ये संगठन तय करेगा। बेहद शार्प होते हैं कांग्रेस के नेता, सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए ये जो फैसला है कौन मंत्रिमंडल में होगा कौन नहीं होगा ये निर्णय जो है वो। राजेश कच्छप जी भी हमारे साथ आ गए हैं। राजेश जी, बड़ा दिन आपकी सरकार के लिए, हेमंत जी चौथी बार विश्वास मत हासिल करने जा रहे हैं, संख्या बल के हिसाब से देखें तो आप लोग बेहद कंफर्टेबल हैं, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों पर आपको हाउस के अंदर में घेरने की कोशिश करेगा, आप लोग तैयार हैं विपक्ष के हमलों के लिए? देखिए, विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि वे लोग हाउस में बहस करें, वे हाउस बहस करने के लिए है, वो हाउस में बहस करें, हम लोग बहस करने को तैयार हैं। और विपक्ष आज से वॉकआउट नहीं कर रहा है, विपक्ष तो डे वन वॉकआउट करने का इनकी प्रवृत्ति झारखंड प्रदेश में हो गई है। विपक्ष हमेशा ही बहस से भागता रहा है और आज भी भागेगा बहस, क्योंकि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा, जन सरोकार के कोई बहुत मुद्दा नहीं है। एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार होना है, आज ही हो जाना है, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ फेरबदल की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि फेरबदल की जरूरत है कांग्रेस में, या वो चेहरे ही सही है उनको ही आगे मौका मिलना चाहिए या नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये अभी हाल के दिनों में लोकसभा का चुनाव हुआ है, तमाम विधायकों ने अपना अपना एफर्ट लगाया है, और अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि भाई नए चेहरों को अवसर दे करके हम 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है और बेहतर कर सकते हैं, तो आलाकमान हमसे बेहतर सोचती है, आलाकमान उसमें स्वतंत्र है, आलाकमान का जो आदेश होता है हम लोगों को पालन करना होता है। आप लोगों को लग रहा है कि मौका मिलना चाहिए नए चेहरे को? देखिए, हर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस लोकसभा चुनाव में, हर जो जितने भी माननीय सदस्य हैं हर में अपनी अपनी काबिलियत है, हर किसी का चलाने का तरीका अपना अपना है, अवसर मिलेगा तो लोग उसको अपने तरीका से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में जाना है, चुनाव में जाना है तो प्रयास रहेगा कि हम अपने इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीट अगर हमको जगह मिलता है तो कैसे दिला पाए इंडिया गठबंधन का सीट, और इंडिया गठबंधन का बेहतर परफॉर्मेंस और कैसे हो, इस पर काम किया जाएगा। निशु, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, पूरी एनर्जेटिक नजर आ रही है सत्ता पक्ष, और तैयार भी है राकेश, देखने वाली बात ये भी है कि तैयार भी है, जहाँ एक तरफ विपक्ष पूरी एड़ी चोटी की दम लगा रही है कि हम सत्ता पक्ष को इन मुद्दों को लेकर के घेरेंगे, तो वही अपना विधायकों की संख्या को लेकर काफी कंफर्टेबल और काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है सत्ता पक्ष। राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, और ऐसे में विशेष सत्र में हेमंत सरकार बहुमत साबित करेगी और विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।